साहब है क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से मजीद कोई अपडेट दे दें जी। लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से मजीद अपडेट तो अब नहीं है, कई चाइना में इसी साल का प्लान है चाइना में रिलीज़ करने का और भी कुछ टेरिटरीज में रशिया टर्की इधर उधर हम जो अगला फेज़ होगा उसमें रिलीज़ करेंगे। पाकिस्तान में तो अभी चल ही रही है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी उनके पास मौका है कि अभी भी देख सकते हैं सिनेमा में। बाकी बात है मनी बैक गारंटी की, तो ये एक बहुत बड़ी फिल्म और बहुत बड़ी कास्ट के साथ इसमें कई करीबी दोस्त हैं, कुछ मौला जट की टीम के बहुत लोग हैं, तो लग रहा है कि ये अपनी ही फिल्म एक और कोई सीक्वल आ रहा है। और फैसल कुरैशी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने पहले भी हमें चाहे वो कमर्शियल्स हों या टेलीविज़न हो कॉमेडी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाया है। सो मुझे लग रहा है बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छी एक कॉमेडी फिल्म देखने को मिलेगी, सो काफ़ी एक्साइटेड है। नेक्स्ट प्लान क्या कर रहे हैं आप? आजकल यही हर कोई पूछ रहा है कि अगला प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी ज़रा ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए इंटेंस हो गया था, जितनी रिलीज़ की चीज़ें थी ट्रैवलिंग थी, तो अगले प्रोजेक्ट बड़ा सोच समझ के अब मैं कमिट करूँगा क्योंकि मौला जट के बाद एक्सपेक्टेशंस लोगों की तो है ही है, मेरी अपनी भी अपने से अब बढ़ गई है। सो इंशाल्लाह सून आई विल अनाउंस द प्रोजेक्ट। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। देखिए ऐसा अभी कोई स्पेशल कोई रिलीज या प्लान तो नहीं थी अभी, बट देखें आई होप के हो जाए इससे ज़रा हम आपस में जो एक कल्चरल एक्सचेंज है जो रुका हुआ है बहुत अच्छे से, अब कभी तो उसको वापस ठीक होना है। सो अगर हमारी फिल्म वहाँ लगती है तो उसमें कोई हर्ष नहीं, आई थिंक बहुत इन्जॉय करेंगे। पंजाबी फिल्म है, पंजाबी ऑडियंस इंडिया में बहुत बड़ी है, उनके लिए भी एक अच्छी एक यूनिक फिल्म है। सो आई होप लेट्स सी। थैंक यू।